एएसडी के हेडीज को डाउन करेंगे, एस पावर एक और प्लेयर को डाउन करेंगे, दो प्लेयर्स को ऑलरेडी, तीसरे को भी डाउन करते हुए। ये अलग दर्जे का खिलाड़ी है, ये खिलाड़ी बहुत ऊपर जाने वाला है और ये पहले ही दिखा दिया इन्होंने बीजेआईएस के अंदर। पहले मैच में 3 फ्रैग्स निकाल चुके हैं जी, और अभी तो बस शुरुआत की, उन्होंने देखना ये कि आगे और कितने लोगों की वो मुश्किलें बढ़ाने वाले हैं। मान गया, इसी बीच ओजी की जो मुश्किलें वो बढ़ाते हुए नजर आएंगे। रेकलेस को डाउन किया गया है और बताना चाहूंगा रेकलेस एक बहुत ही ज्यादा अनुभवी वो खिलाड़ी रहने वाले हैं। वन नाइट फाइटर्स की बात करें तो वो भी अब नॉक्स निकालते हुए नजर आएंगे, और साथ ही साथ अगर आप बात करें UP50 की, वो भी टीम ओजी के ऊपर शॉट्स ले रहे हैं, तो ओजी एक तरीके से सैंडविच सिचुएशन में आ चुकी है। एक तरफ आईपू सोल, दूसरी तरफ UP50, और मोहित का वो जो नॉक निकाला गया था UP50 के द्वारा, कंफर्मेशन वो हमें मान्या के पास आता हुआ नजर आएगा। इनफैक्ट मान्या का ही वो नॉक था, माफी चाहूंगा। ध्रुव की बात करें, उन्होंने भी एक नॉक निकाला और संधू को उन्होंने डाउन किया है। इंपॉर्टेंट रहेगा कि रिवाइवल वो किस प्रकार से देखने को मिलने वाला है। एस पावर टेक्स अनदर वन डाउन, और अब बारी है पुश करने की। पीछे से यहाँ पे एक और नेड आता हुआ आपको नजर आएगा। अभी तो रिवाइव हुए थे वहाँ पे प्लेयर, बट एस पावर अपने फिनिशेस को कंफर्म करने के लिए आए जरूर, बट आते ही वापस चले गए। इसे कहते हैं शायद लालच नहीं ले रहे, जोन के अंदर वो पहले गए हैं और UP50 का भी ध्यान उनको करना पड़ेगा, बट यहाँ पे गॉड की पोजीशन उनको शायद पता नहीं है। शॉट देने की कोशिश गलती करी वहाँ पे गॉड ने, मौका था उनके पास और दूर है एक बढ़िया पोजिशनिंग, बट सर्कल के अंदर अभी भी टीम आईपी जोन को जाना पड़ेगा। ये लीजिए वो जो नकुल है उनका भी खाता खुला, जी नहीं रॉनी के पास वो फिनिश जाता हुआ नजर जरूर आने वाला है। सारे आ चुके हैं, वहीं आईपू सोल ऑन द अदर हैंड अभी भी वो स्प्रेज लेते हुए और मुश्किलें बढ़ाते हुए कैनन बोल्ट्स की। कैनन बोल्ट्स कैसे आएंगे जोन के अंदर, ये एक सवाल, और रोनी तैयार थे एस पावर के साथ मिलके। वहां पे स्प्रे डाउन किया गया, अपने अपोनेंट को डाउन किया, बट मिस्ट्री ये अभी भी एक मिस्ट्री बाकी है इस गेम के अंदर। नेड गया, चलिए मान्या ने खोजा उस मिस्ट्री को, खत्म किया इस लॉबी के बाहर, बट वही मान्या ने एक और प्लेयर को स्पॉट किया था बट उनके ऊपर शॉट दिए नहीं, बट फाइनली एक और नेड आया मान्या के द्वारा, 14 फिनिशेस। इसे कहते हैं एक चैंपियन टीम, इसे कहते हैं एक टीम। इसी के साथ टीम बोला उनका भी आपको यहाँ पे एलिमिनेशन देखने को मिल जाएगा। अब जोन के अंदर की बात है, और मेजी आपकी प्रेडिक्शन तो अलग लेवल की होती जा रही है दिन ब दिन, जहाँ पे आपने कहा एक शैक, एक छोटा सा शैक अभी भी जोन के सेंटर में और निर्वाणा अकेले, एक खिलाड़ी पीछे छोड़कर रखा है रॉनी, उन्होंने लॉर्ड को देख लिया, निर्वाणा अब वो बचते हैं वहां पर एक आखिरी खिलाड़ी, देखना ये कि क्या वो बचे रह सकते हैं। हालांकि स्पॉट तो उन्हें भी कर लिया गया है, जी हां स्पॉट तो करा गया है, बट 8 फ्रैग्स आप देखिए तो सही। आईकू सोल कितनी शांत तरीके से, कितनी आसानी से उन्होंने यहाँ पे 8 फ्रैग्स बटोरे हैं, और अभी के लिए चारों प्लेयर्स उनके यहाँ पे सर्वाइव करते हुए। बट वहां पर अपना एक खिलाड़ी वो खो बैठे फिक्सेस, वो भी यहाँ पे डाउन किए जाएंगे। सलमान बहुत ज्यादा आगे चले गए, उनको भी डाउन किया जाएगा अनॉनिमस के द्वारा, और देखते देखते अनॉनिमस वो भी स्पॉट कर दिए गए। सलमान समाप्त, और अब बचते एक आखिरी खिलाड़ी प्राइम, देखना ये है कि क्या वो अपनी टीम को एटलीस्ट टॉप 3 तक लेकर जा सकते हैं। निर्वाणा उनके ऊपर चार्ज जाता हुआ, निर्वाणा मान्या उन्होंने गाड़ी चढ़ा दी, और देखते देखते मान्या के हाथों में आने वाला है 4 फिनिशेस, टीम आईक्यू सोल 10 टोटल फिनिशेस के साथ, और अब सेंटर ऑफ द सर्कल टीम आईक्यू सोल के पास। देखिए उन पहाड़ों की ऊंचाइयों से मान्या कह रहे हैं, जितने आपको टेरिटरी दिख रही है सारी हमारी टेरिटरी है। बहुत आसानी से वो फ्रैग्स निकालते हुए, और अब वो प्लेयर्स और ज्यादा आगे बढ़ना चाहते हैं, बट मेडल के एक प्लेयर अभी भी वहां पे होल्ड कर रहे हैं। इनफैक्ट RIP के चेजर भी वहां पे अभी के लिए होल्ड कर रहे हैं। दोनों सिंगल प्लेयर्स अपनी टीम के लिए ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स लेके जाना चाहेंगे, बट वहीं पे चेजर को भी खत्म किया जाएगा। 12 फ्रैग्स ये टीम निकाल चुकी है, एंड दे आर इवेंचुअली प्लेइंग ऑन अ डिफरेंट लेवल। जैसा पहले में खेला था वैसा ही कुछ रिपीट टेलीकास्ट देखने को मिलता है आईक्यू सोल की तरफ से। पिछले मैच में UP50 उन्होंने फिनिशेस निकाले थे, पर वो प्लेसमेंट पॉइंट नहीं आया था, इसलिए एक और नॉक वो कर पाए तब फायदा उनके पास है। बट हल्का सा रिज है, बिल्कुल स्लाइट रिज है, जिसका एडवांटेज उनको मिलेगा नहीं। रोनी का नेड करेगा नॉक, नकुल का स्प्रे करेगा नॉक, एंड हियर यू गो टीम आईक्यू सोल, वो लेके जाएंगे एक बार। चलिए फाइनली वो जो नॉक है वो निकाला गया, निर्वाणा वो आगे जाएंगे, फिनिश उनको सिक्योर करना है, और जितना ज्यादा वक्त लगाएंगे वो कवर फायर आने के चांसेस उतना ही ज्यादा रहने वाले। लो टॉस करके वो ग्रेनेड, लेकिन निर्वाणा महंगा पड़ा वो ग्रेनेड। लालच हमेशा से ही बुरी बला है, आप जरूर, और अब एलिमेंट एक्स उनकी बारी है पुश इन करने की। प्राइम वो एक बॉलेट ऑफ करते हुए नजर भी आने वाले हैं, और UP50 के पास ब्रीदिंग स्पेस बिल्कुल भी देखने को नहीं मिल रहा है। ऐसे में पुश इन करना वो एकमात्र ऑप्शन जो उनके पास बचता है, लेकिन प्राइम ये आप कर क्या रहे हैं, मल्टीपल सर्कल जस्ट उनके पीछे आके रुकेगा। ASG का आप कम से कम कह सकते हैं कि एक बढ़िया मुकाबला, जहां पे कम से कम फिनिशेस तो उनके खाते में गए। चलिए फाइनली सेल्सियस के जो पिका थे उनको भी स्पॉट किया गया, नकुल के द्वारा आसानी से उनको समाप्त भी किया जाएगा, और ये आता हुआ 9वां फिनिश टीम आईक्यू सोल, वो इस वक्त रुकने के मूड में नहीं है। पहले मुकाबले में 12 फिनिशेस निकाले, दूसरे मुकाबले में 16 फिनिशेस वो लेकर गए,
और इस तीसरे मुकाबले में 9 ऑलरेडी वो फिनिशर्स निकाल चुके हैं, हालांकि 4 और खिलाड़ी यहाँ पर बचे हैं। देखना ये कि क्या 4 के 4 वो फिनिशर्स निकाल सकते हैं अपने को ये फाइट। जी हाँ, एक खिलाड़ी को वहां पे नॉक भी किया गया और आप देखिए सर्कल पूरा टीम आइकू सोल के पास था, लेकिन वो सर्कल के बाहर आकर के फाइट ले रहे हैं क्योंकि उनको भी पता है कि फिनिशर्स वो ज्यादा निकाल सकते हैं सर्कल के बाहर आके। और अब 1v4 की सिचुएशन काफी आसानी से मान्या ने उनको स्पॉट किया और